लाइफस्टाइल फर्नीचर का धमाकेदार ऑफर 65% धमाकेदार डिस्काउंट वाले ऑफर के साथ नए दौर के बेमिसाल डिजाइन की भरमार। लाइफस्टाइल फर्नीचर चांदनी फंक्शन हॉल अंबेडकर स्टेडियम बीजापुर 18 जुलाई से 31 जुलाई तक। जल्दी करें, ये ऑफर लिमिटेड है। डायमंड डिग्री कॉलेज में NSS का सामाजिक अवेयरनेस कैंप। बीजापुर के गांधीनगर में रहे डायमंड डिग्री कॉलेज रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी के अंडर चलने वाली इस कॉलेज में NSS यूनिट 1 और 2 के अवेयरनेस कैंप, जिसमें एक हफ्ते तक चलने वाले इस कैंप में मेडिकल कैंप, फायर फाइटर ट्रेनिंग, इलाकों की सफाई पर होगा शहर भर में अवेयरनेस और प्रैक्टिकल काम जो करेंगे अंजुमन डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट। आज इसकी शुरुआत अंजुमन डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर MG घोड़े सवार, NSS यूनिट 1 के डॉक्टर SM देसाई, यूनिट 2 के ऑफिसर डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन महबूब आलमेल, प्रिंसिपल खुर्शीद आलम कंदगल, डॉडमनी प्रकाश राठौर NSS डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विलास चौहान के अलावा NSS के स्टूडेंट्स रहे शामिल। सलीम देसाई सर, NSS ऑफिसर, और प्रकाश डॉडमनी सर, राठौर सर, सॉरी प्रकाश राठौर सर जो डिस्ट्रिक्ट NSS ऑफिसर्स हैं, और हमारे डायमंड डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉडमनी सर। तो यहाँ पर आने का मकसद कि NSS कैंप रखा गया है। मैं DLED DED की एग्जाम चल रहे थे, मुझे हमारे चेयरमैन साहब का फोन आया कि एग्जाम फंक्शन है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें याद किया। तो यहाँ पर आपने एक हफ्ते का जो प्रोग्राम रखा, एक हफ्ते का, तो इन 10 दिनों में आपने क्या कुछ किया और क्या सबक आपने हासिल किया, इस पर नजरसानी करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो दिन भर हमारे काम होते हैं, हम उस पर नजरसानी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहां पर कोताही हुई है, कहां पर गलती हुई है, जो काम मैंने किया है वो सही है या गलत, इसका हमें अंदाजा होता है। एक बार जरूर आप काम पे रहो या ना रहो, कॉलेज में हो या बिजनेस लाइन में हो या सोसाइटी में हो, इसका इस बात को एक बार इंसान जरूर सोचना चाहिए, हर इंसान, और स्टूडेंट लाइफ में तो ये बहुत जरूरी है कि आज मैंने दिन भर क्या क्या सीखा और इससे क्या सबक लिया, और आने वाले दिनों में यानी नेक्स्ट डे में जो गलती खामियां मुझसे हुई है आज दिन भर में, वो गलती आने वाली मेरी जिंदगी में कतई तौर पर ना हो। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए सकता हूं, चाहे उसमें कोई भी दुश्वारी आए, चाहे वो काम हमारे लिए कितना भी कठिन से कठिन और जोखिम भरा हो, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं, तभी जाकर आप सक्सेसफुल होंगे। ये नहीं हुआ मुझे डर लग रहा, मैं क्या कर तो रही है काम, उन्हें कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता। जुनून, जुनून जिसके पास है, हमने यूं ही फेरी थी रेत पे उंगलियां, शायर के तहत हमने यूं ही फेरी थी रेत पे उंगलियां, गौर से देखा तो उनकी तस्वीर बन गई। जुनून इसे क्या कहेंगे हम, जुनून कहेंगे जब तक आपके जहन में कुछ चलता नहीं है। जहन जो है ये कमांड करता है, ये कर काम, ये सही है, ये काम कर, ये गलत है, लेकिन आपको फैसला लेना होता है कि ये गलत है या सही है। परों को खोल जमाने उड़ान देखता है। हम सिर्फ क्या है, कॉलेज जाते हैं, बस अपने वालिदैन को खुश करते हैं, टीचर्स का प्रेम करते हैं, 4 घंटे कॉलेज में जाते हैं, बस अपने वालिदैन से कहते हैं मैं दिन भर कॉलेज से आया हूं, थक गया हूं, शाम तक सो जाऊंगा। ये होना नहीं चाहिए। जुनून हमने यूं ही फेरी थी रेत पे उंगलियां, हमने आपको बताया, वो जुनून जब तक आपके जहन में नहीं होता, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, नीचे बैठकर क्या आसमान देखता है, जब तक आपके जहन में ये ना हो
देख रहा हूँ यहाँ पर तालबात काफी लड़कियां एनएसएस प्रोग्राम में शामिल होते, बहुत खुशी की बात है। जब हमने एनएसएस में जाते थे अंजुमन डिग्री कॉलेज के थे, पीरा सर मेरे क्लासमेट है, मालूम है उनको, मोलवाड़ में मानगोली में जाते थे, सिर्फ लड़के रहते थे, सिर्फ लड़के। एनएस को बोलो आई लड़कियां आई मां नको पतो हमारे अप्पा। अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो जमाना नहीं रहा, लड़के और लड़की में फर्क करने का जमाना नहीं रहा। गवर्नमेंट ने एक स्कीम दे रही थी, लड़कियों को तालीम दिलाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। लड़कियां इतने आगे बढ़ते 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 गए, लड़के पीछे रह गए, लड़के पीछे रह गए हर फील्ड में। अगर हम लड़कियों के मुकाबले में आज के दौर में देखते हैं तो लड़कियां जो है हर फील्ड में आगे हैं और लड़के पीछे हैं, लड़के बहुत पीछे हैं। अब सरकार को और रिपीट लेना पड़ेगा अपना स्कीम, लड़कों को आगे बढ़ाओ, लड़कों को आगे बढ़ाओ। माशाल्लाह आज बहुत खुशी हुई कि आप लोग एनएसएस के कैंप में लड़कियों की तादाद यहाँ पर ज्यादा दिख रही, और हर फील्ड में जो है लड़कियों की तादाद ज्यादा नजर आती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आज लड़कियां जो है पायलट बनकर हवाओं में प्लेन चला रहे, प्लेन उड़ा रहे, प्लेन उड़ा रहे, मिलिट्री में है, और कहां कहां बताओ, हर फील्ड में जहां पर लड़के थे वहां पर उनकी जगह पूरे लड़कियां ली, और ये बहुत ही अच्छा। लड़कियों को आगे बढ़ाना, उन लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े रहना, ये बहुत ही जरूरी है। और आज के दौर में सिर्फ लड़कियों को क्या है, टेंथ पास हुआ, अब इससे पहले भी आपने की टेंथ तक एग्जाम ही, टेंथ के बाद लड़कियों को घर की जिम्मेदारी दी जाती थी, लड़कियों को घर की जिम्मेदारी दी जाती थी और लड़कों को पढ़ाते थे, लेकिन लड़के पढ़े नहीं, लड़कियां जो है आगे निकल गए। आज हर माँ बाप, हर वालिदैन, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी लड़की जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाए और अच्छे से अच्छे मुकाम पर रहे और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। एक 15-20 साल पहले अगर आप तारीख के और आठ को पलट कर देखें, लड़कियां किस पोजीशन पे थी, लड़कियों का काम क्या था, लड़कियां जो है घर में बैठी रहती थी, छोटे भाई बहन की देखभाल करती थी, छोटे भाई बहन को स्कूल भेजना, घर का खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना, ये लड़कियों का काम था। ये 10 या 15 साल 20 साल पहले की बात है सर, आपने तो बखूबी देखा है, लेकिन इन 15 या 20 सालों में ये जो है माहौल चेंज हो गया है और लड़कियां जो है हर फील्ड में आगे बढ़े, क्योंकि एक लड़की को तालीम दिलाना गोया एक कुंभे को तालीम दिलाना। एक लड़की जब पढ़ती है, जब एक लड़की जब पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने सारे फैमिली को एजुकेटेड बनाती है। तो आपने सुना होगा कि बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होता है, बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होता है, माँ जैसे लबों को हिलाती है, बच्चा उसी लबों को देखकर मुस्कुराता है और उसी लबों को देखकर बोलने की कोशिश करता है। अब ये मत समझो कि बाप क्या करेगा, बाप की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक लड़की को एजुकेटेड करना, एक लड़की को तालीमी याफ्ता बनाना, वो ये समझो कि पूरे कुंभे को तालीमी याफ्ता बनाना। माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने पूरे खानदान को एजुकेटेड दिलाती है, और लड़कियां हर मैदान में आगे चल रही हैं, लेकिन एक मैदान में अभी भी पीछे है, वो है सियासती मैदान, सियासत में अभी पीछे है सर, उतनी तादाद हमें नजर नहीं आती, क्योंकि सियासत एक ऐसी। तो बहुत अच्छा शेर था, उन्होंने बताया अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और हमारे बड़े सवर सर, आलमीन सर, पीरा सर, हमारे राठौर सर और हमारे देसाई सर,
जो यहाँ पर बैठे हैं, मुझे एक मौका दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कार्यक्रम आदू बेग बल्कि नम राणी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी संयोजना अधिकारी नम कल कड़े क्यांपो क्यांपन विजिट को याकंद्रे ना राज्य मटल तरबे हादसा एन एस एस वालंटियर्स मत आम बेरे बेरे महाविद्यालय साकु रीतिया तरबे सदर्शन युवा कणज अंतिकोर्टल युवा कणज अंतिको आ युवा कणज पोर्टल उद्देश्य ऐन व्यार्थी साकु व्यार्थी सुशिक्षित पदवी स्नातकोत्तर पदवी संशोधने बेरे बेरे क्षेत्र में साकु साधने आधने के प्रतिफल उद्योग सकता प्रति अंतिम नम मन नम सोसईटी नम बंधु नम पेरेन्ट कल ऐनकम ಏನು ಖಾಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಾರ ಖಾಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಸಮಾಜ ಸಹಿತ ನಮಗೇನಂದ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಿಕೂ ಸಹಿತ ಏನಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲಂದ್ರ ನಮಗೆ ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಏನೈತಂದ್ರ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಕೀಳುದಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯುವ ಕಣಜ ಎದುರುಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲಾಖೆಗಳು ಏನೈತಂದ್ರ ಈ ಒಂದು ಯುವ ಕಣಜ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರ तम वो इलाके संबंध पटे सविवरवान महितिया हाक इनमे मैं जॉब हूकली हो आम शिष्य वेतन बरगड़े हो तबीति पड़को अदरगे हो इंटर्नशिप कॉर्स बरगड़े हो विषय अनुमत आम सरकार आरोग्य सौलभ्य बेगे हो आम मन एल युवक आम विद्यार्थी सरकार रीत स्कीम योजना प्रयोजन बेगे हो।